हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आप देखिए, ये सैमसंग कंपनी का टीवी है, बट ये सैमसंग कंपनी कुछ भी टीवी हो सकता है। ये 14 इंच टीवी है तो कुछ भी टीवी हो सकता है। इसका प्रॉब्लम आप अच्छा करके एक बार देख लीजिए। ये प्रॉब्लम दिखाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है आपको सब कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके है, बट इसका नीचे साइड 1.5 इंची ये थोड़ा गैप है। तो ये गैप जो है ये पूरा ब्लैक है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, मन में लगेगा कि ये मेन आईसी का फॉल्ट है, सर्विस मोड का फॉल्ट है, बहुत कुछ अब बता सकते हो। बट दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा। आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगा और इसका जो प्रॉब्लम और कौन सेक्शन से हो सकता है ये भी सब कुछ ये वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो इसीलिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, आप देख सकते हो ये 14 इंची अल्ट्रा स्लिम एक सैमसंग टीवी है और इसका ये बेस बोर्ड है, ये ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड, और दोस्तों ये इसका मेन पीसीबी है। पूरा मेन पीसीबी को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका अंदर प्रोसेसर आईसी है और दोस्तों ये जो सेक्शन ये वर्टिकल आईसी, ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन है और ये वर्टिकल आईसी का अंदर जो सप्लाई आता है ये ईएसटी से, ये ईएसटी का देखिए ये जो ब्लैक वाला लाइन, देखिए ये जो ब्लैक वाला लाइन, ये लाइन से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। ये जो सप्लाई लाइन ये ऊपर का जो प्लस 14-15 वोल्ट का आसपास ये लाइन से वोल्टेज आउटपुट होता है और बीच में ये जो ब्लैक वाला लाइन, ये जो ईएसटी का लाइन बीच में रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये जो डायोड है ये नीचे लाइन से माइनस 14 और 15 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है जो ये लाइन से ये वर्टिकल आईसी का अंदर आता है। तो दोस्तों चलिए आपका एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए आपका सामने मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आपका एक बार पिक्चर भी दिखाना पड़ेगा कि पिक्चर का साइज, ये नीचे साइड थोड़ा डाउन है, आप अच्छा करके देखिए नीचे थोड़ा डाउन है। तो चलिए इसी टाइम आपको मेन पीसीबी का मेन जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का कुछ वोल्टेज आपको एक बार चेक करके देखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल आईसी का ये साइड एक नंबर पिन है, अच्छा करके देखिए ये एक नंबर पिन है। एक नंबर पिन पर कितना वोल्ट मीटर पर फॉलो कीजिए, 0.67 वोल्ट आसपास। उसके बाद दो नंबर पिन पर कितना वोल्ट देखिए, +15 वोल्ट। और उसके बाद ये तीन नंबर पिन पर कितना वोल्ट, -13 वोल्ट, देखिए 13 वोल्ट का आसपास। और इसका चार नंबर पिन पर कितना वोल्ट, -14.8, मतलब -15 वोल्ट का आसपास। और पांच नंबर पिन पर 1 वोल्ट का आसपास ये शो हो रहा है, ठीक है। और इसका सिक्स नंबर पिन पर +15 वोल्ट और इसका सेवन नंबर पिन पर 0.567 वोल्ट का आसपास। तो मतलब ये वर्टिकल आईसी का सभी सप्लाई वोल्ट ओके है। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रॉब्लम जब आता है कि ये वर्टिकल आईसी खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल आईसी प्रॉब्लम से भी हो सकता है। बट इसका अंदर ये जो डायोड है, ये दो नंबर पिन का साथ जो डायोड दो नंबर पिन पर सप्लाई आता है और डायोड से एक सप्लाई आउटपुट होने के बाद ये सिक्स नंबर पिन पर एक सप्लाई आता है, ये डायोड फॉल्ट होने के बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। बट लीकेज डायोड होने के बाद भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये चैसिस के अंदर, ये पीसीबी के अंदर ये वर्टिकल आईसी ओके है, ये डायोड भी ओके है, तो और कौन पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा चेक करने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं और कुछ वोल्टेज चेक करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। तो इसी टाइम ये जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी सोल्डरिंग को मैं ओपन किया, आपको दिखाना चाहता हूँ ये ओरिजिनल मेमोरी आईसी है। तो ये मेमोरी आईसी पोजीशन पर मैं ये अलग सा एक मेमोरी आईसी लगा के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये 24C16 वाला ये मेमोरी आईसी है, ठीक है। ये मेमोरी आईसी लगाने के बाद चलिए आपका सामने एक बार सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करने के बाद सप्लाई देके आपका सामने ही सप्लाई देके देखूँगा कि कुछ फर्क आता है कि नहीं, क्योंकि मेमोरी का अंदर इसका वर्टिकल का सब कुछ स्टोर
बहुत कुछ तो रहता है जो सर्विस मूड इधर उधर करने के बाद ये चेंज हो जाता है, और प्रोसेसर ऐसी चेंज करने के बाद भी इसका कुछ चेंजिंग आ जाता है। तो इसीलिए ये मेमोरी आईसी को एक बार चेंज करके सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल का जो हाइट प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो ये आपका सामने में सोल्डरिंग किया, सोल्डरिंग करने के बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या चेंजिंग कुछ भी चेंजिंग आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई तो दे दिया, अभी तो सेट ऑन नहीं हो रहा है, देखिए इंडिकेटर तो अभी चलिए ऑन हो गया। तो स्क्रीन पर एक बार देखना पड़ेगा क्या सिम्टम आता है। तो दोस्तों देखिए न्यू मेमोरी आईसी लगाया और स्नो आ गया, बट दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक ये न्यू मेमोरी आईसी लगाने के बाद इस तरह ये स्टोर होता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट दोस्तों इसका नीचे इसका जो हाइटिंग हाइट मतलब इसका ऊपर साइड ओके है, नीचे इसका जो डाउन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब इसी तरह प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको और ध्यान दे के बहुत कुछ पोजीशन चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों इसी कंडीशन पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वर्टिकल आईसी भी एक बार चेंज करके देखा और वर्टिकल सेक्शन का डायोड भी एक बार चेंज करके देखा, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट इसी तरह प्रॉब्लम ये सब पोजीशन से हो सकता है, इसीलिए आपको पूरा डिटेल्स बताया। बट दोस्तों देखिए न्यू मेमोरी से लगाने के बाद इस तरह ये चेंजिंग हो जाता है। आप इसी टाइम कुछ भी बॉटम मत दबाए, आप खुद ही देख सकते हो। इसी तरह सैमसंग का मेमोरी से चेंज करने के बाद इसी तरह कुछ लोडिंग लेता है। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए। बट इसका नीचे जो हाइट प्रॉब्लम ये अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब इसका नीचे साइड थोड़ा डाउन ही है। तो मेमोरी आईसी चेंज करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं हो रहा है, तो कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि और कौन पोजीशन से ये हो सकता है। ठीक है, तो उसका लोडिंग देखिए चल रहा है, आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो। मैं आपका सामने न्यू मेमोरी आईसी लगाया, मेमोरी आईसी लगाने के बाद दोस्तों चाइना पीसीबी के अंदर साथ साथ ऑन हो जाता है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है। बट दोस्तों ये ऑटोमेटिक सेटिंग होगा। ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी से इसका जो कम्युनिकेशन होने के बाद ये सेट, अब खुद ही देखिए थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद ये नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो, देखिए दोस्तों ये पूरा लोडिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ए भी करने के बाद अब इसका ए भी आएगा, बट इसका हाइट प्रॉब्लम इसका नीचे थोड़ा डाउन है, ये अच्छा करेगा। एक बार ये पीसीबी को देखना पड़ेगा, देखने के बाद आपको बताऊंगा कि और कौन पोजीशन से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप कंटिन्यू फुल वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सैमसंग कंपनी का टीवी है, मैं आपको दिखाया कि इसका वर्टिकल आईसी भी ओके है, वर्टिकल सप्लाई भी ओके है, और मेमोरी चेंज करने के बाद तब भी इसका ये जो गैप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए इसी का बाद मेमोरी चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका बाद सबका मन में जो डाउट होगा कि सर्विस मोड का अंदर सेटिंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसी टाइम आपको सर्विस मोड ओपन करके दिखाऊंगा, और सर्विस मोड से ही कैसे सैमसंग टीवी का हाइट एडजस्ट किया जाता है आपको वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ये जो रिमोट है, रिमोट का अच्छा करके देखिए, मार्केट का लोकल रिमोट है, बट ये ओरिजिनल रिमोट नहीं है, पर दोस्ती सैमसंग का रिमोट है। सैमसंग टीवी का सर्विस मोड, सभी टीवी का सर्विस मोड ओपन करने का जो तरीका है, फर्स्ट पावर बटन से इसको स्टैंड बाई करना पड़ेगा, उसके बाद इन्फो बटन, मेनू बॉटम और म्यूट बॉटम पुश करने के बाद फिर भी स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई, उसके बाद इन्फो, उसके बाद मेनू, उसके बाद म्यूट और उसके बाद पावर बॉटम। देखिए पुश किया, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, इसका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा रुकिए, देखिए दोस्तों इसका सर्विस मोड ओपन हो गया। इसका अंदर बहुत कुछ सिस्टम है, आप
आपका जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी ऑप्शन को ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी ऑप्शन का इधर उधर करेगा तो टीवी का बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, ये जो गैप है ये गैप कैसे एडजस्ट किया जाता है। दोस्तों इसका फर्स्ट पोजीशन देखिए, ये डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो होता है मतलब योग, ठीक है, योग कॉइल एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसका हाइट इसका ऊपर सही है बट इसका नीचे गैप है, तो ये डिफ्लेक्शन ऑप्शन को देखिए मैं सिलेक्ट करके इसका एडजस्ट किया जाता है कि नहीं, ये वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा। तो रिमोट का ये नीचे वाला बटन पुश करके आपको डिफ्लेक्शन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए डिफ्लेक्शन को मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद ये वॉल्यूम प्लस बटन को पुश करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो उससे यहाँ पर देखिए वी ए एम पी मतलब वी एम्पेयर, वी शिफ्ट, ए शिफ्ट, वी एस, वी इस तरह इसका अंदर ऑप्शन है, अब अच्छा करके देखिए। तो चलिए इसका जो वी एम पी 8 है, 10 है, 30, ये सब नंबर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं फास्ट ये जो वी शिफ्ट है वी एम्पेयर को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। देखिए फिर भी ये जो वॉल्यूम प्लस बॉटम है ये पुश करने के बाद देखिए 8 है, ठीक है, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। इसका मैं थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, देखिए ये वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश करके आपको बढ़ा के देखना पड़ेगा। देखिए ये बढ़ाने के बाद देखिए ये ऊपर चला जाता है, आप अच्छा करके देखिए ऊपर चला जाता है। दोस्तों चलिए इसको और डाउन कर देता हूँ, डाउन करने के बाद मैं ये 676 में रखा हूँ, और उसके बाद इसका नीचे जो ऑप्शन था ये नीचे बॉटम पुश करने के बाद आ जाएगा। देखिए वी शिफ्ट ये आ गया, ये 10 है। तो चलिए वी शिफ्ट को मैं थोड़ा डाउन करके देखता हूँ किस तरह ही होता है। देखिए दोस्तों वी शिफ्ट को डाउन करने के बाद ये बहुत ऊपर चला जाता है, ये 0 किया। तो चलिए मैं थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, देखिए वी शिफ्ट को बढ़ाने के बाद ये देखिए दोस्तों ये पिक्चर अब अच्छा करके देखिए ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाता है, ये इतना गैप हो गया, ठीक है, और ये इतना गैप हो गया। तो चलिए और थोड़ा डाउन करके देखता हूँ, मतलब ये बढ़ा के देखता हूँ। देखिए दोस्तों ये बढ़ाने के बाद ये साइड गैप थोड़ा छोटा हो गया और ये साइड भी गैप हो गया, मतलब इसका हाइट दोनों हाइट बढ़ाने के बाद ये लगता है एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन का जो ऑप्शन आपको देखा है, चलिए ये बॉटम पुश करने के बाद देखिए वी एम्पेयर को मैं बढ़ाता हूँ। देखिए आप 6 सिलेक्ट है, तो चलिए वी एम्पेयर को बढ़ाने के बाद क्या ये रिजल्ट आएगा एक बार देखना पड़ेगा। देखिए वी एम्पेयर को बढ़ाने के बाद दोस्तों देखिए इसका ऊपर भी गैप ये कंप्लीट हो गया और नीचे का भी गैप अभी नहीं है इसी टाइम, ठीक है। तो दोस्तों सर्विस मोड से बाहर होने के लिए आपको रिमोट का जो पावर बटन है, आपको रिमोट का पावर बटन पुश करना पड़ेगा। देखिए पावर बटन पुश किया मतलब स्टैंड बाई किया, स्टैंड बाई करने के बाद आपको दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों स्टैंड बाई से फिर भी ऑन किया, ऑन करने के बाद इसका जो हाइट प्रॉब्लम, अभी देखिए हाइट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो कनेक्शन देख ही रखता हूँ, एक बार वीडियो प्ले करके देखता हूँ। दोस्तों देखिए वीडियो प्ले किया, तो चलिए अलग अलग दो एक चैनल प्ले करके दिखाता हूँ। लगता है ये सिनेमा स्कोप है तो इसलिए नीचे थोड़ा गैप है, ऊपर थोड़ा गैप है, अलग चैनल प्ले करके देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये चैनल का अंदर ये नीचे पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप इसी तरह सर्विस मोड ओपन करके इसका थोड़ा बड़ा और कम कर सकते हो।